ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। जैसा कि आप सबको पता है कि सिंधिया जो हैं कुछ टाइम पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस के एक बड़े नेता थे, लेकिन कुछ महीने पहले ही ये बीजेपी में आए हैं और बीजेपी में अभी 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया। और जिस दिन इनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया, इधर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया और दूसरी तरफ शाम होते होते इनके ऊपर साइबर अटैक हो गया, साइबर हमला हो गया, जिसकी वजह से इनका फेसबुक अकाउंट जो है वो हैक कर लिया गया। और इस फेसबुक अकाउंट को हैक करने के बाद इनके फेसबुक अकाउंट पे जो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इन्होंने जिस टाइम ये कांग्रेस में थे उस टाइम जो भी इन्होंने बोला था, यानी कि जिस तरह का जो इन्होंने भाषण दिया था, जो स्पीच दिया था, उसको जो है फेसबुक पे अपलोड कर दिया गया। इस बात का पता जैसे ही साइबर सेल को लगा, तुरंत साइबर सेल एक्टिव हो गई और उसने 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर इसको जो है रिकवर कर लिया, यानी कि सिंधिया का जो फेसबुक अकाउंट जो हैक किया गया था उसको रोक लिया और उस अकाउंट को दोबारा से रिकवर करके उसमें जो भी इशू था, मतलब जो भी वीडियो अपलोड किया गया था गलत तरीके से मोदी जी के खिलाफ में, जो भी भाषणबाजी की जा रही थी, मतलब एट द टाइम 12:23 पे करीब करीब जो अभी टाइमिंग मेंशन किया गया है, 12:23 पे अकाउंट हैक किया गया था सिंधिया जी का, उसके कुछ मिनट बाद ही जो अकाउंट है उसको रिकवर कर लिया गया साइबर सेल के द्वारा। वहीं आपको बता दूं कि ग्वालियर में जो पुलिस है, ग्वालियर के पुलिस को उनके द्वारा जब इस पर पूछा गया तो उनको बोला गया कि इस मामले की जानकारी उनको अभी तक नहीं है, मतलब कि जो भी सिंधिया जी के साथ में हुआ था उसके बारे में कुछ भी जानकारी ग्वालियर पुलिस को नहीं है। वहीं मैं आपको बता दूं कि भोपाल में जो कि सिंधिया जी के समर्थक हैं कृष्ण घटके, उनके द्वारा इस चीज का कंफर्मेशन दिया गया कि हाँ, जो 12:23 पे सिंधिया जी का अकाउंट हैक किया गया था किसी के द्वारा, किसी साइबर सेल या किसी हैकर के द्वारा ये सारा का सारा कार्रवाई की गई थी, लेकिन जैसे ही इस बात का कंफर्मेशन हुआ उसको बाद में रिकवर कर लिया गया। और जो भी वीडियो उन्होंने मोदी जी के खिलाफ, जैसा भी जो कांग्रेस में थे उन्होंने जो भी बात बोली थी, उसी वीडियो को जिसने भी अपलोड किया था उस वीडियो को डिलीट कर दिया गया है। अब आखिरकार इसके पीछे का क्या रीजन था इस तरह की कार्रवाई से और इस तरह का चैनल को है फेसबुक को अकाउंट को हैक करके अलग अलग तरीके का वीडियो डालने का क्या मतलब था, वो अभी तक समझ नहीं आया। लेकिन हो सकता है कि ये सिर्फ और सिर्फ ये दिखाना चाह रहे होंगे कि जब ये कांग्रेस में थे तो इस तरह की बातें कर रहे थे और आज जो है ये बीजेपी की तरफ से एक कैबिनेट मिनिस्टर बन चुके हैं। आपका क्या ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।